दोस्तों, जैसे जैसे भारत प्रगति करता जा रहा है, वैसे वैसे भारत की ऊर्जा की जरूरतें भी बढ़ती जा रही है। और अगर भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभरना है तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे कि पेट्रोल और कोयले पर से अपनी निर्भरता को कम करना होगा। इसके साथ साथ पेट्रोल और कोयले की वजह से पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है और अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए भी भारत को सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाल ही में भारत सरकार ने कुछ ऐसे बड़े स्टेप्स लिए हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में हम ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं इनके ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगे। तो पहला स्टेप, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इन दिनों काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर यूएसए के पास टेस्ला है तो आज हम गर्व से ये कह सकते हैं कि हमारे पास भी टाटा है। हाल ही में टाटा ने अपनी दो दो फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया है। तो भारतीय कंपनियां भी किसी से पीछे नहीं है इस क्षेत्र में, चाहे वो महिंद्रा हो या फिर ओला हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि लिक्विड हाइड्रोजन गैस को कैसे हम यूज करके उससे मैक्सिमम एनर्जी ले सकते हैं, इसके ऊपर भी भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस, गेल, एनटीपीसी, इंडियन ऑयल और एलएनटी तेजी से काम कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा बनते हैं। तो इसके ऑल्टरनेटिव के रूप में हमें चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी, जिसके लिए भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। करेंटली इंडिया के पास 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और आने वाले 3 साल में इंडिया और 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने वाला है। इसके साथ साथ इंडिया सोलर पावर, विंड पावर और हाइड्रो पावर को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भारत 500 गीगावाट तक एनर्जी प्रोड्यूस करने की ओर अग्रसर है और इसीलिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क इंडिया के जोधपुर में बनाया गया है, जिसका कैपेसिटी 2245 मेगावाट है। तो मोटा मोटी तौर पे हम कहें तो आने वाले कुछ साल के अंदर भारत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के क्षेत्र में एक बड़ा लीडर बनकर उभरने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।